हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के वन ऑफ द बेस्ट डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि है HDFC का इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सारे बेनिफिट्स को, कवर करेंगे इस डेबिट कार्ड की फीस एंड चार्जेस के बारे में, और हम कवर करेंगे इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेबिट कार्ड आपके लिए वर्थ है या नहीं। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको देना पड़ता है ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 750 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी बिल्कुल सेम है, 750 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस डेबिट कार्ड के रिप्लेसमेंट चार्जेस की बात करें, तो अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं मिसप्लेस हो जाता है या फिर चोरी होता है या फिर खराब हो जाता है, और अगर आपको अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराना है, तो उसके लिए आपको यहां पे देने पड़ेंगे 200 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करवाना है वापस से, तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 50 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस डेबिट कार्ड के मार्कअप फी की बात करें, कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हो, तो यहां पर उसके लिए आपको लगेंगे 3.5% ऑफ योर ट्रांजेक्शन अमाउंट। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहां पर आपको मिलता है वो है हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स का, जहां पर जो आपको डेली शॉपिंग लिमिट मिलती है वो है 5 लाख रुपीज पर डे की। वही अगर हम ATM विड्रॉल लिमिट की बात करें तो वो है यहाँ पे 1 लाख रुपीज पर डे का। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करते हो टेलीकॉम पे या फिर यूटिलिटीज पे, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 कैशबैक पॉइंट। वही अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज एंड सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट एंड अपीरियल्स या फिर इंटरटेनमेंट में स्पेंडिंग करते हो, तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेगा 1 कैशबैक पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान भी देना है कि आप यहाँ पे जितने भी कैशबैक अर्न कर रहे हो ना, उस पे यहाँ पे इन्होंने कैपिंग लगा रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम कैप ऑफ 750 कार्ड पर मंथ। तो यहाँ पे एक मंथ में जो मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हो अपने डेबिट कार्ड से, वो होगा 750 रुपीज तक का ही। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें, तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके अपने बिल को अगर आप ऑटो पे पे लगाते हो बिल पे में जाके, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5% का कैशबैक फॉर फर्स्ट 12 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरते ही हो, वाटर का बिल भरते ही हो, मोबाइल का भरते हो, ब्रॉडबैंड का भरते हो, अगर आप इन्हीं बिल्स को जाके अगर आप बिल पे में जाके रजिस्टर कर दोगे, तो आपके जो बिल है वो ऑटोमेटिकली हर महीने पे भी होते रहेंगे, और उसके बदले आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक भी मिलते रहेगा फॉर फर्स्ट 12 मंथ। तो भाई यहाँ पे आपको दोनों हाथ में लड्डू मिल रहे हैं, बिल भी ऑटोमेटिकली पे हो जा रहा है और उसके बदले आपको कैशबैक भी मिल जा रहा है। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप इससे ले सकते हो वो होगा 1800 रुपीज पर ईयर तक का। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे आपको नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो अपने डेबिट कार्ड का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, अपीरियल, स्मार्टफोन वगैरह सब खरीद सकते हो EMI में, लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका जो मिनिमम परचेज होना चाहिए वो कम से कम 5000 का होना चाहिए, तो ही आप अपने परचेजेस को EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और बोल दूं, आपका जो EMI का जो ऑप्शन है ना, वो बैंक आपके लिए डिसाइड करती है कि आप कितने अमाउंट को आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप अपना डेबिट कार्ड का EMI एलिजिबिलिटी देखना चाहते हो, तो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनी हुई है, लिंक मैं यहां पर भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जाके चेक कर सकते हो कि आप मैक्सिमम कितने अमाउंट को अपने जो है वो नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की यहां पे हम बात करें, तो यहां पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ऑफर भी मिलता है। एक क्वार्टर में आप 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ले सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट पर जाके लाउंज में खाना खाते हो, ड्रिंक्स लेते हो, वाईफाई यूज करते हो या फिर रेस्ट ही करते हो, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो अगर आपके पास ये वाला डेबिट कार्ड है, तो आप एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस जो है वो कर सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज रिवर्सल भी मिलता है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग करा रहे हो और अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो अगर HDFC बैंक के स्वैप मशीन से हो रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगने वाला है। कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है डेथ कवर बाय एयर, रोड एंड रेल। तो अगर डेबिट कार्ड होल्डर की डेथ होती है इन किसी भी कारण से, तो यहाँ पे उनके फैमिली को कवरेज मिलेगा, जो कि होगा 12 लाख रुपीज तक का। कार्ड के अगले एक बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज ऑफ ₹3 करोड़ ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट यूजिंग डेबिट कार्ड। तो अगर डेबिट कार्ड का यूज करके इंटरनेशनल टिकट खरीदी हुई है और इन केस अगर फ्लाइट क्रैश हो जाता है और अगर पैसेंजर की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस फैमिली मेंबर को जो कवरेज मिलेगा वो होगा अप टू ₹3 करोड़ का। यहाँ पे फायर एंड बर्गलरी का भी आपको इंश्योरेंस
इंश्योरेंस मिलता है अगर आपने अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके कोई भी सामान खरीदा है, और अगर आप फर्स्ट सिक्स मंथ में अगर वो सामान चोरी हो जाता है या फिर जल जाता है तो इन दैट केस भी यहाँ पे सम अश्योर जो है वो 2 लाख रुपीज तक का है। वही अगर हम लॉस ऑफ चेक्ड बैगेज की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको कवरेज मिलता है जो कि होता है 2 लाख रुपीज तक का। लेकिन इन सारे इंश्योरेंस में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने लगा के रखे हैं। अगर आपको इन इंश्योरेंस का बेनिफिट्स एक्चुअल में लेना है तो आपको इनके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे किसी में है कि आपको हर महीने ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, किसी में है कि हर 3 महीने में ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें एक बार आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार टर्म्स एंड कंडीशन देख लो। ज्यादा नहीं है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो कार्ड मिलता है वो आता है 0 लायबिलिटी के साथ। तो इनकेस अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम होता है या फिर चोरी होता है और उसके बाद अगर आपके डेबिट कार्ड के साथ किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कार्ड गुम या चोरी होता है आपको इमीडिएटली इनके कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए आप लायबल नहीं रहोगे। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें डेबिट कार्ड मिलता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ पे हर बार पेमेंट करने से पहले आपको अपने कार्ड को न स्वैप करने की जरूरत है, न हर बार आपको पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन इन्होंने लगा रखी है कि मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक के ट्रांजेक्शन को ही आप टैप एंड पे फीचर यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा अमाउंट है तो इन दैट केस आपको स्वैप एंड पिन डालना ही पड़ेगा। तो फाइनली अब बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आपको ये डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपके इनमें से कोई भी एक अकाउंट आपका होना चाहिए HDFC बैंक में, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, सुपर सेवर अकाउंट हो, या फिर सैलरी अकाउंट हो, या फिर लोन अगेंस्ट शेयर अकाउंट हो। इनमें से अगर कोई भी अकाउंट अगर आपका HDFC में है तो आप जाके इस डेबिट कार्ड को ले सकते हो। आप इस डेबिट कार्ड को ऑनलाइन भी ले सकते हो, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। सो लगभग सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में इस कार्ड से रिलेटेड कवर कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।